यहाँ तो हमारे लोग के सब पुरखे से टांगा चलावत हैं, कोई वो ना ये सब बाप दादा यही में इनके टांगा चलाई नहीं, शुरू से लेके अभी तक टांगा ये जान ले बाप हैं दादा लोग इन तो ख़त्म हो गए, अब चलावत तो शुरू से रहे हैं सब। अब पहले रहा है तो तीन ठो रहा है, अब एक के बचा है। हम तो चलाई तो होगा 23 साल रहते इधर होगा 10 साल से टांगा चलाई थे। संबंध पूछे तो घट्टा घोड़ा के तो हम सब समझ लो कि हाँ एकदम भाई लोग तना है सब, कि हाँ घर में एक फैमिली तना है, यहू सब जानवर हैं घर को एक फैमिली तना बने हैं यहू सब। हम उन लोगों का भी दुख होते कि हाँ हम न चलिए तो खाइए खावा कहाँ जी है, यही सब देखा जाता है कि बहू के नहीं तो चले सही साथ कम से कम रहा है, बुखार या कुछ हो जाते या पाँव में चोट लग गया तो दवा लाओ हर एक चीज़ चिल्लावे पड़ जाते। उनका लग गया तो इससे वो भी लगा था ना कि हाँ उनका खाली बस उसको भगवान तो मुँह बोल ना ही दी इससे, बाकी तो सब कुछ जाना थे। समय उमल के ना ही है समय तो अभी रिक्शा उक्शा चले वजह से बहुत कम है कि हाँ घोड़ा खवाए में भी जान लो परेशानी है। अरे पहले तो हो जाता रहा 1000-1500, 2000-2500 तक हो जाता है। अब भाई बाहर से भी सवारी आवा था जो तो वही रिक्शे बैठाते टांगा में बैठते नहीं सही तो 1000 फ्रिया में ला ले 1000 से नहीं घर के खर्चा का 500-600 यही खाते हैं तो कहाँ से निकल 2000 के खर्चा। 8-9 जने परिवार है